हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना चैनल लर्न इंग्लिश रिफाइन योर पर्सनालिटी। लेट्स रिवाइज क्लास 12 पोम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स टुडे। इन दिस वीडियो चिल्ड्रन वील टॉक अबाउट द पोएट जॉन कीट्स, अबाउट द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बैकग्राउंड ऑफ द पोम, वॉट कीट्स अंडरस्कोर, दैट इज वॉट डज ही हैव टू से इन प्रेज ऑफ ब्यूटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोम। थीम और सेंट्रल आइडिया भी हम इसमें देखेंगे, मैसेज कन्वेड थ्रू द पोम और पोम की टोन क्या है, प्लस द समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चिल्ड्रन, इट्स अ रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर क्लास 12 विद ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज देयर इज अ लॉट कमिंग अप जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में गारंटीड 100% मार्क्स दिला सकता है इफ़ यू कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड बिलीव मी चिल्ड्रन, देयर इज अ लॉट कमिंग अप फॉर यू इंक्लूडिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश पेपर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग एंड चलो देखते हैं जल्दी से पोएट के बारे में। जॉन कीट्स ये लंदन ग्रेट ब्रिटेन में पैदा हुए थे एंड ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन रोम इन 1821। हम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे पोएट पे क्योंकि ये बेसिकली अदर देन द नेम ऑफ द पोएट और कुछ तो इनके बारे में आता नहीं है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। सो वील स्किप दैट, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट यू नो अ लिटिल अबाउट हिम। इट्स गुड टू नो बिकॉज ऑथर और पोएट के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हो तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड यू नो क्या मैसेज है पोम का या प्रोज का। तो आप देख लेते हैं अबाउट द पोम चिल्ड्रन। थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी पोम है जो कि हमें बताती है हाउ नेचर एंड इट्स वंडर यू नो अट्रैक्ट एंड मेस्मराइज एंड चार्म, और कैसे ये हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे सौरों को हमसे दूर करती है यू नो व्हेन वी आर सराउंडेड बाय देम। अगर हम बैकग्राउंड ऑफ द पोम देखें तो ये जो हम जो क्लास 12 में जो आपको कुछ लाइंस पढ़ने को मिलती हैं वो एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम कीट्स पोम एंडीमायन। ठीक है, और एंडीमायन क्या है, ये एक पोएटिक रोमांस है और ग्रीक मिथोलॉजी पे माइथोलॉजी पे ये बेस्ड है। और अगर हम देखें तो यू नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट इज़ कि एक शेपर्ड था जिसका नाम एंडीमायन था और ही फेल इन लव विद सिंथिया एंड इन हिज क्वेस्ट यू नो ही फेल सो मच इन लव, जो कि एक अर्थली मेडन थी और उसको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पोम। और ये आपको जो इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं आपके बुक में फ्लेमिंगो में वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब हम देखते हैं थीम ऑफ द पोम। जो थीम ऑफ द पोम है चिल्ड्रन वो इसके पोइट्री के फर्स्ट लाइन में आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यू नो इट्स लाइक द फर्स्ट लाइन इज लाइक द summary of the entire poem that we're gonna read. So basically theme या central idea जो है वो हमें बताता है कि एक beautiful object can be treasured in our minds because वो हमें क्या provide करती है, eternal everlasting, मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमें इतना joy इतना happiness देती है वो, और ये happiness ऐसी happiness है जो कभी fade नहीं होती। और बहुत सारी अगर हम फर्स्ट लाइन में ही देखें तो मल्टीपल कॉनोटेशन है इसमें जो कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक्सप्लेनेशन वाला उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, लेट्स मूव ऑन। हम थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोम है जो एक्सर्प्ट है जो आपको पढ़ने को मिल रहा है जो आपके सिलेबस में है उसमें जॉन कीट्स ने
ब्यूटी की प्रेज में बहुत कुछ कहा है। और ये यहाँ बोलते हैं कि यू नो एक इटर्नल स्टेट है ब्यूटी का, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फैसेट्स हैं, बहुत से एस्पेक्ट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के। अच्छा, आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करें तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच आर ऑफ आर यूज एंड जो हमें बहुत हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट देती है। और इस पोम में हम देखते हैं कि जो पोएट है वो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स से इक्वेंट करा रहा है और हमें ये बता रहा है कि यू नो हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स प्ले एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइव्स। तो एंडलेस जॉय देती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स हमें, और ये दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो कभी भी ना कम नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोएट किस बारे में बात कर रहा है, ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में, जैसे सन मून ट्रीज हो गई, शीप और डैफोडिल्स, डैफोडिल्स येलो कलर्ड फ्लावर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, रिल्स रिल्स मतलब स्ट्रीम्स, और बहुत सारे और ग्रीनरी और फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा है वो। और यहाँ पे पोएट यहाँ तक ये भी बोल रहा है कि जो जो बहुत ब्रेव लोग थे और जिनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है सबके लिए, रीडर्स के लिए, तो उनके जो हम स्टोरीज ऑफ शिवेलरी पढ़ते हैं, उनके ब्रेवरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग है, इसीलिए वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में काउंट होती हैं। और पोएट का ये भी ओपिनियन है कि ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, एंड और ये फाउंटेन कौन सा फाउंटेन है, जो हेवन से हमारे लिए कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द पोम अगर हम देखते हैं, यहाँ पे राइम स्कीम इसकी है ए ए बी बी सी सी डी डी, एंड बाकी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी राइमिंग कूपलेट्स में लिखी गई है, मतलब कूपलेट का मतलब होता है टू लाइन्स, तो टोटल 24 लाइन्स हैं इस एक्सर्प्ट में, और बहुत सारे ब्यूटीफुल पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज्ड हैं, जैसे एलिटरेशन, एंजैम्पमेंट, इमेजरी और बहुत सारे और पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो जब हम उसमें वो हम देखेंगे तब हम वील गो इन टू इट इन एन एलेबोरेट मैनर, ठीक है। अच्छा, मैसेज देख लेते हैं इसका, फिर से हम फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसका मैसेज क्या है जो जॉन कीट्स कन्वे कर रहा है, कि ब्यूटीफुल थिंग्स हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली जॉय देती हैं, ये कभी फेड नहीं होती, इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, कभी नथिंगनेस में पास नहीं होती, मतलब इनकी वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ सन मून नहीं बल्कि ओल्ड एंड यंग ट्रीज के बारे में भी यहाँ बात हो रही है, जहाँ जिसको थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह लिया गया है। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं ऑफ क्लियर वाटर जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है समर में, रोजेज हैं, मस्क रोजेस की बात हुई है, एंड इनफैक्ट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर। ये बेसिक मैसेज है जो जॉन कीट्स हमें कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और हम देखते हैं कि चाहे आप कितने भी सॉरोफुल हो, वर्ल्ड में कितनी भी सफरिंग हो, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स तो ये सब अपने आप डिस्पेल हो जाती हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें पीस ऑफ माइंड देती हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, ये हम थ्रू सम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एंड जो मेन आइडिया है वो एक ये भी है कि गॉड हैज़ गिवन अस इन्यूमरेबल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक्चुअली द इंटायर क्रिएशन हैज़ बीन मेड बाय गॉड द सुप्रीम पावर, तो ही इज़ द वन हुज़ ब्लेस्ड अस विद सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड सो मेनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अच्छा, अब हम टोन ऑफ द पोम देख लेते हैं। इसकी टोन आप देखोगे बहुत काम ट्रैंक्विल है, एंड अ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हमें देखने को मिलती है। सेकेंड लाइन में जब पोएट बोलता है लवलीनेस इंक्रीजेस, उसी से हमें समझ में आता है कि यू नो दिस पॉजिटिविटी कीप्स ऑन गोइंग, इट्स लाइक इट्स कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पे ये दीज वर्ड्स ऑल्सो क्रिएट अ वेरी जेंटल एंड विविड इमेज इन द रीडर्स माइंड,
और अगर हम लवली वर्ड देखेंगे, लवलीनेस इंक्रीजेस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल रही हूँ, अगर हम लवली वर्ड देखेंगे तो उस डिक्शनरी में आपको उसको मिल उसका मीनिंग मिलेगा चार्मिंग या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कीट्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बहुत एक्यूरेटली ब्यूटी ऑफ नेचर को डिपेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इमेजरी के थ्रू। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कीट्स एक आर्टिस्ट की तरह हमें ये एक्सर्प्ट हमारे सामने लेकर आए हैं, और ही इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट यू नो, बट ही इज़ एन आर्टिस्ट इन द ट्रू सेंस, इन द सेंस कि वो बहुत ब्यूटीफुल कैनवस और एक पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़ ऑफ अलगरी भी है, एक लिटरी डिवाइस अलगरी जिसको हम बोलते हैं। ये जो एम्प्लॉय होती है लिटरेरी डिवाइस, इसका मतलब है कि राइटर एक बहुत डीप मीनिंग हमें सिंबॉलिक फिगर्स और एक्शंस के थ्रू या फिर इमेजरी के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे एलेगरी क्या हेल्प कर रहा है इंटरप्रेट करने के लिए, नॉट ओनली मॉरल स्पिरिचुअल या फिर जो भी पॉलिटिकल मैसेज है पोइट्री में, वो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ एंडमायंस परसूट्स ऑफ सिंथिया, सिंथिया को ढूंढ रहा है वो एंडमायन। ठीक है, तो उसके थ्रू भी एक अलगरी हम समझ सकते हैं, जिससे कि हम ये यू नो वी अंडरस्टैंड कि मैनस क्वेस्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी, मैन क्या है हमेशा आइडियल ब्यूटी के सर्च में रहता है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू की इट्स अ काइंड ऑफ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस ऑल्सो। बहुत जल्दी हम समरी देख लेते हैं पोम की। यहाँ पे हम देखेंगे कि पोएट इज टॉकिंग अबाउट यू नो सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी। फर्स्ट 2.5 लाइन्स में वो हमको बता रहा है कि बेसिकली इट्स यू नो द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर, और ये ब्यूटी जो है इटर्नल है, और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हमें क्या देती हैं, जॉय देती हैं, इसका चार्म इंक्रीज होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक परमानेंट इम्प्रिंट ये हमारे माइंड्स में बनाती हैं। और अगर हम देखें आगे पोएट हमें बताता है कि यू नो ब्यूटी लर्क्स इन आवर माइंड, मतलब वो हमेशा हमारे माइंड में बनी रहती है, और इट रिमेन्स इन आवर मेमोरी, चाहे वो क्वाइट बावर हो, बावर का मतलब होता है शेड, शेड ऑफ अ ट्री जो कि स्वीट ड्रीम्स देती है और बहुत हेल्दी स्लीप देती है एक पर्सन को, चाहे वो कोई और ब्यूटीफुल चीज़ हो। बेसिकली जो मैसेज है पोएम का वो यही है कि यू नो ब्यूटीफुल थिंग्स कीप ग्रोइंग, और वो हमें बहुत ज़्यादा सुकून, जैसे बोलते हैं ना सॉलेस, काम करते हैं हमारी नर्व्स को, और चाहे हम डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट से घिरे हुए हों, तब भी जब ब्यूटीफुल थिंग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सारा पेन और लॉस हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सेल्फिश और इनह्यूमन नेचर के बारे में मेंशन है, कुछ ईवल चीज़ें यहाँ पे पोएट बात करता है जो हमारी लाइफ्स को ग्लूमी कर देती हैं और हमारी हैप्पी थॉट्स को ओवरशैडो कर देती हैं और ओवर डार्कन कर देते हैं हमारी लाइफ को। लेकिन पोएट कहता है कि जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये सारा जो सोरो है वो डिस्पेल हो जाता है, वो हट जाता है। और जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स की यहाँ पे बात हुई है, सन मून ट्रीज, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो या किसी भी चीज़ की, चाहे बावर हो चाहे शीप हो या डैफोडिल्स, ग्रीनरी, मस्क रोजेज, पोएट का मानना ये है कि एक मैजिकल स्पेल है सारे ब्यूटीफुल थिंग्स, स्पेशली जो नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, और वो हमें हेल्प करती हैं यू नो टू अप्रिशिएट लाइफ। और यहाँ पे एक और चीज़ की बात हुई है, ग्रैंडियर ऑफ डेथ ऑफ दोज माइटी एंड पावरफुल किंग्स एंड नाइट्स, मतलब जो वो लोग थे जो बहुत ब्रेव थे अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी, सुप्रीम सैक्रिफाइसेस करी, एंड दे डाइड नोबल डेथ्स। तो उनकी जब हम स्टोरीज सुनते हैं यू नो एंड किस तरह की ग्रैंड लाइव्स उन्होंने लिव करी हैं, तो जब हम उनके बारे में सुनते हैं तभी भी बहुत सा हमारा ग्लूम, हमारा सोरो डिस्पेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो
बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, एंड बेसिकली एंड रिजल्ट सबका सेम है. जॉन कीट्स क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. आज हमने एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा वेरी शॉर्ट में अबाउट द पोएट जॉन कीट्स, अबाउट द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बैकग्राउंड ऑफ द पोम क्या है, और जॉन कीट्स क्या बोल रहे हैं इन प्रेज ऑफ ब्यूटी, स्ट्रक्चर ऑफ द पोम 24 लाइन्स की है ये, राइमिंग कूपलेट्स हैं, राइम स्कीम देखी हमने, थीम और सेंट्रल आइडिया और मैसेज क्या कन्वे हो रहा है इससे. अलॉन्ग विद दैट हमने एक लिस्ट देखी ब्यूटीफुल थिंग्स की, ठीक है, एंड मोर ओवर टोन क्या है पोम की, यूज़ ऑफ अलग्री बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, और हमने समरी देखी. तो चिल्ड्रन डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग फॉर यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ स्पीच. मैंने एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, एंड देन जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो इट टेंड्स टू मेक यू कन्फ्यूज्ड. सो डोंट मिस माई नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन, उसमें हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन टू प्लीज़ लाइक माई वीडियो, अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए इनको, सो दैट मैक्सिमम चिल्ड्रन कैन गेन आउट ऑफ इट. सो टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल.